स्कूल का रास्ता भूल गया हो तो मैं बता दूं। सर वो आइए आइए, तुम्हारा ही इंतजार था। इंगे कौन सी हाजिरी लग रही है तुम्हारी? कुछ तो जादू है उत्तर कुमार की फिल्मों में। कोई एक बार देख ले तो बार बार उन्हीं की फिल्में देखना चाहता है, उन्हीं को सर्च करता है। भैया मैं 3-4 महीने का कोई कोर्स करने दिल्ली गया था, तो कोर्स कंप्लीट करके मैं अपने गांव में आया। उत्तर कुमार जी, मैं आपका फैन हूँ, मैंने आपकी हर फिल्म देखी है। तो गांव में ऐसी ही नॉर्मल बातचीत के दौरान मेरे मुंह से एक्चुअली निकल गया। तुम यकीन नहीं करने के, अब पूरे गांव में मेरा नाम एक्चुअली है। आपकी नई फिल्म कब आ रही है, कौन सी फिल्म है, क्या नाम है, इस तरह के कमेंट उत्तर कुमार जी के कमेंट बॉक्स में भरे पड़े हैं। तुम हो गली तो गुलाब हम है। कभी कभी तो कोई ऐसा कमेंट कर देता है कि दर्शकों के साथ साथ खुद उत्तर कुमार जी उसको पढ़कर रोमांचित हो उठते हैं। कहते हैं लोग के खराब हम है। आपको मालूम होगा उत्तर कुमार जी की नई फिल्म आई है, टाइटल है आखिरी अर्जी। इस फिल्म ने 10 दिनों के अंदर 1 मिलियन व्यूज पार कर लिए हैं और इस फिल्म को देखकर लोग क्या बोले जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आज हम आखिरी अर्जी फिल्म से जुड़ी कुछ मज़ेदार बातें आपको बताने जा रहे हैं। ये फिल्म 14 जून 2024 को राजलक्ष्मी चैनल पर रिलीज हुई है। इस फिल्म में उत्तर कुमार जी के अलावा प्रभात धामा और मेघा चौधरी की मुख्य भूमिका है। ये फिल्म 2 पार्ट्स में रिलीज हुई है। पहले पार्ट को लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने देखा है और दूसरे पार्ट को लगभग 70 लाख लोगों द्वारा देखा जा चुका है। सबसे बड़ी मज़ेदार बात यही है कि पहले पार्ट्स को देखने के बाद लगभग 1500 लोगों ने इसमें कमेंट्स दिए हैं और दूसरा पार्ट देखने के बाद लगभग 2000 लोगों के कमेंट्स आए हैं और उन कमेंट्स में सबसे ज़्यादा कमेंट्स इस बात के हैं कि फिल्म देखकर रोना आ गया, आंखों से आंसू आ गए। यही पावर है उत्तर कुमार की फिल्मों की कि वो हमें हंसाते हंसाते रुला देती हैं और रुलाते रुलाते हमें हंसा देती हैं। उनकी फिल्मों का कॉन्सेप्ट ही ऐसा होता है कि हमें लास्ट तक चिपकाए रखता है। एक्शन, इमोशन, कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा सब कुछ तो होता है उस फिल्म में। तभी तो एक दर्शक लिखते हैं कि उत्तर कुमार की फिल्मों के सामने बॉलीवुड भी फेल है।